हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो आई थिंक 4336 वैकेंसीज का है। बट आप ये मान के चलिए कि 5000+ रिक्रूटमेंट डेफिनेटली हुई, क्योंकि उसमें 3 बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी पोजिशन रिपोर्ट नहीं की। और पिछले साल भी आपने देखा कि वैकेंसीज तो लास्ट में बढ़ जाते हैं। अब जो भी बच्चे जो पिछले सालों से ये एग्जाम दे रहे हैं, आई मीन जिन्होंने एक से ज्यादा बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम दे लिए हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ क्लर्क किया, एसबीआई पीओ क्लर्क किया, या कोई इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स ये दे लिए, उनको तो थोड़ा आइडिया रहता है कि किस टाइप का पैटर्न आता है। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इसी साल पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने अभी किया है और अभी रिसेंट ही जो एग्जाम्स में अपियर होना शुरू हुए, तो उनके मन में रहता है कि आईबीपीएस पीओ का लेवल क्या रहता है, क्या पैटर्न होता है। तो पैटर्न और जो एग्जाम का पैटर्न वगैरह पूरा जो सेपरेट वीडियो एक अपलोड किया है जिसमें आपको पूरा दिखाया है, वो ही आपके 3 पेपर हैं, एक रीजनिंग है, एक इंग्लिश है, एक क्वांट है। रीजनिंग और एक क्वांट का 35-35 मार्क्स का, उसका 30 मार्क्स का, इंग्लिश का 20-20 मिनट का टाइम है, उसी से सेक्शनल टाइम है और सेक्शनल कट ऑफ भी है। अब पैटर्न क्या रहेगा, तो आज का जो सेशन है इसमें क्वांट का पेपर डिस्कस करेंगे एक तरीके से। और पेपर डिस्कस कैसे करेंगे, 2018 में क्या पूछा गया, राइट, और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने ये मान के चलेंगे कि किस टॉपिक से कितना वेटेज रहता है और क्या उनका ऑलमोस्ट लेवल किस टाइप का रहता है। और लास्ट में 2 मिनट प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा, आपको काफी काम की चीजें इसमें मिलेंगी। ये आपका पिछले साल का है स्लॉट वाइज, ये आपके यहां तक के जो ये 4 स्लॉट हैं ये 13 अगस्त के हैं, और अगस्त नहीं हुआ है, अक्टूबर से, और ये 14th 13 और 14 अक्टूबर के पिछले साल के जो पेपर्स हैं, 4 स्लॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें क्या क्या पूछा गया क्वांट में, ये क्वांट का पेपर डिस्कशन है अपना, तो क्वांट में क्या पूछा गया उसे थोड़ा आपको अंदाजा होगा। जिसे आप देखिए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन से कोई नहीं आया, ये 2 स्लॉट में आया, ये भी अप्रोक्सीमेशन से ही क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ 8 में से 2 स्लॉट ऐसे थे जिनमें 5-5 क्वेश्चन आए, बाकी नहीं आए। नंबर सीरीज सभी में पूछी गई, कभी मिसिंग और कभी रॉन्ग। पिछली बार मिसिंग ज्यादा थी, रॉन्ग कम थी, बट इस साल जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि अल्टरनेट मिलेगी आपको, एक स्लॉट में मिसिंग एक रॉन्ग। और रॉन्ग कंपेरेटिवली आप सभी स्लॉट्स का को एनालाइज करेंगे तो रॉन्ग ज्यादा स्लॉट्स में मिलेगी, और इसके एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप, पिछली बार 5 और कुछ स्लॉट्स में 6 और 5 क्वेश्चन आए हैं, तो 5 क्वेश्चन आप इसका जरूर मान लें। क्वाड्रेटिक देखें तो आप 8 में से 5 स्लॉट में आए, राइट, किसी में 6 क्वेश्चन आए, किसी में 5 क्वेश्चन आए। एक स्लॉट ऐसा था, फोर्थ स्लॉट 13th वाला 13 को जो हुआ उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज के आए, उसके अलावा नए अप्रोक्सीमेशन आए, नए क्वाड्रेटिक। आई थिंक ये मोस्ट अनलकी वो स्लॉट रहा होगा। बाकी इस साल भी अपने ये मान के चले जैसा ट्रेंड अपने देख रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स का, 10 क्वेश्चन यहां से आपको मिलने चाहिए। अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इन तीनों को मिला के किसी स्लॉट में अप्रोक्सीमेशन आ गया, किसी में क्वाड्रेटिक आ गया, और नंबर सीरीज तो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आ ही रहा। तो ये 10 क्वेश्चन आप यहां से मान सकते हैं, और ये ऐसा पार्ट है जिसको हर एग्जाम में क्वांट में सबसे पहले करने की आप कोशिश करते हैं। जब भी आपने क्वांट का सेक्शन खोला, इनमें से कोई भी पोर्शन खुल गया, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन नजर आ गया, नंबर सीरीज के नजर आ गया, क्वाड्रेटिक के आ गया, तो सबसे पहले आप सोल्व यही करते हैं, आपको करना भी यही चाहिए। देन आप बड़ा पार्ट जो है फिर है डीआई का। तो डीआई आप देखो, ये नीचे ही नीचे जो डीआई का है, डीआई आप देखो 17 भी आया, 16 आया, 11 आया, 15 आया, लेकिन सिर्फ 2 स्लॉट हैं जिसमें 2 DI हैं, जो 11 दिख रहा है यहाँ 2 सेट, राइट, बाकी सब में 3-3 सेट है। और 3 सेट जब भी आए हैं उसमें
एक कैसलेट है, अगर तीन सेट है, तीन सेट जब भी है तो एक कैसलेट और दो कन्वेंशनल, जैसे आपके पाई चार्ट बेस आ गई, टेबुलर आ गई, लाइन ग्राफ आ गया, बार ग्राफ आ गया, और इनका मिश्रण आ गया, जैसे पाई प्लस टेबल दे दी, पाई प्लस लाइन ग्राफ दे दिया, लाइन प्लस बार ग्राफ दे दिया। तो दो डीआईज ये आई है, और जहां आपको दो डीआई नजर आ रही है वहां ये सिर्फ है, जो कन्वेंशनल आपके डीआईज हैं वो ही आई है, कैसलेट नहीं आया। जहां भी आपको मोर देन 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन, जैसे ये है, ये तीन सेट है, ये भी तीन सेट, इनमें सब में एक सेट कैसलेट डीआई का है, ये तीन सेट है, ये भी तीन सेट है, ये भी तीन सेट आए हैं, और ये तीन सेट आए हैं। दो ऐसे स्लॉट थे जिसमें दो दो सेट आए, जहां दो सेट आए वहां कैसलेट नहीं आई, कन्वेंशनल दो डीआईज है। डीआईज पिछली बार जो आई उनमें से जैसे कन्वेंशनल दो डीआई आई तो एक डीआई जरूर उसमें कैलकुलेटिव थी, मुश्किल कुछ नहीं होता है इसमें, लेकिन लेंथी होती है तो मुश्किल होगी आपकी, एक डीआई करने लायक थी और एक डीआई इसमें मुश्किल थी। तो जब भी आप इस साल भी एग्जाम में आप तीन ही डीआई एक्सपेक्ट करें, इसमें 15 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, और हो सकता है किसी स्लॉट में 10 ही मिले, बट आप 15 मान के चलिए कि तीन डीआई जिसमें एक कैसलेट होगी, दो दूसरी कन्वेंशनल डीआई। अब उनमें आपको ढूंढना होगा कि अपने किसको अटेम्प्ट पहले है, राइट। अगर आपको कैसलेट डीआई अगर अच्छी लगे तो आप उसको लास्ट के लिए मत रखिए, उसको फिर अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि कैसलेट डीआई को जब भी आप सोल्व करेंगे तो 75% टाइम लगेगा उसकी इंफॉर्मेशन को किसी भी एक सिस्टम में गैदर करने में, जैसे वेन डायग्राम की फॉर्म की है या टेबल की फॉर्म की है, जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे उस पैराग्राफ से, उसमें 75% टाइम लगेगा, और 25% पे सभी क्वेश्चन, जैसे जो भी 3 से लेके 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस पे वो सब के सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बिगनिंग के 75% टाइम का रिजल्ट जीरो रहेगा। सो जब भी कैसलेट डीआई करें हमेशा ध्यान रखें लास्ट मोमेंट पे कभी नहीं करें, फिर उसको थोड़ा अर्ली करें। तो तीन डीआईज एक्सपेक्ट करेंगे अपने, देन फिर आया आपका ये पोर्शन क्वांटिटी कंपेरिजन, डाटा सफिशियंसी और मिसलेनियस। तो यहां से आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट करें। इसमें अगर क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशियंसी नहीं आई तो 10 क्वेश्चन डायरेक्ट मिसलेनियस से आ जाएंगे। अगर क्वांटिटी कंपैरिजन या डाटा सफिशियंसी भी देंगे तो उनमें से कोई एक देंगे आपके, जैसे क्वांटिटी कंपैरिजन दे दिया 3 से 5 क्वेश्चन, तो उतने ही क्वेश्चन आपके मिसलेनियस में कम कर दिए, या डाटा सफिशियंसी 3 से 5 क्वेश्चन आ गए उतने ही कम आपके मिसलेनियस में कर देंगे, क्योंकि इस साल आप ये मान के चलिए कि डीआई पे फोकस डेफिनेटली रहेगा। तीन डीआई आप एक्सपेक्ट करें 15 क्वेश्चन, और ऊपर अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक से भी अपने 10 की उम्मीद करेंगे, तो बचे 10। वो 10 क्वेश्चनों में क्योंकि जो डाटा सफिशियंसी है और जो आपके क्वांटिटी कंपेरिजन है वो भी मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम बेस्ड ही है, तो वो एक ही चीज है, राइट। तो ये इसमें अपने पैटर्न एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या इसमें आने वाला है। तो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, देन ये क्वांटिटी कंपैरिजन, डाटा सफिशिएंसी और मिसलेनियस का जो पोर्शन है, और लास्ट डीआईज का है, कैसलेट और दो डीआई कन्वेंशन, राइट। अब थोड़ा सा एक ये देख लें कि पिछली साल का कट ऑफ क्या रहा। तो पिछली साल का जो कट ऑफ था वो अनरिजर्व्ड के लिए था 56.75, ओबीसी के लिए था आपका 55.50, और शेड्यूल कास्ट के लिए था 49.25, और शेड्यूल ट्राइब के लिए था 41.75। ये कट ऑफ था। इसका मतलब आप देखें कि विद अच्छी एक्यूरेसी के साथ अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को 60+ क्वेश्चंस करने की जरूरत पर डेफिनेटली है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे आपके पेपर हुए इसमें 20-20 मिनट है, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो इसमें मैं एक चीज आपसे आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, अगर पेपर का लेवल पिछली बार जैसा ही रहा तो आप कुछ न कुछ ये मान के चलिए कि ये आपका कट ऑफ इंक्रीज होगा, और वो किस वजह से होगा,
कि आजकल जो इंग्लिश है, इंग्लिश की प्रिपेरेशन बच्चे अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए सेक्शनल टाइम आता है 20 मिनट, और उस 20 मिनट में आप अच्छे खासे अटेम्प्ट कर सकते हो, बशर्ते कि आपका इंग्लिश ठीक हो। और इंग्लिश के पैटर्न में भी इस साल तो जितने भी एग्जाम्स में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आ रहा है, वही आपका आरसी से जो जितने आने हैं वो आ रहे हैं क्वेश्चन, फिर वो आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, वो फिक्स है, सिंगल फिलर, डबल फिलर, वो मतलब बिल्कुल फिक्स है, एक पैटर्न है, उसी के आसपास के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश में की वजह से अटेम्प्ट बढ़ते हैं और बढ़ेंगे, क्योंकि इस साल जो बच्चे प्रिपेरेशन कर रहे हैं आई थिंक उन्होंने इंग्लिश पे और ज्यादा फोकस किया होगा। क्वांटम रीजनिंग में आपको 20 मिनट के लाइक अगर आपकी एवरेज से अबव प्रिपेरेशन, हाँ अगर आपकी प्रिपेरेशन ज्यादा है तो आपके अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं प्रोपोर्शनेटली, उतनी स्पीड से तो बाद में नहीं बढ़ते लेकिन कुछ बढ़ते हैं, और सिलेक्शन के लिए तो एक आध नंबर ही काफी होता है। तो जैसे क्वांट में आपको 20 मिनट मिले तो यहाँ आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन से, एक एवरेज बच्चा अगर 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेता है अच्छी तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। अगर जैसे रीजनिंग है, अब यहाँ पर वो जो अटेम्प्ट है वो 24-25 तक आराम से, जो 20 करने वाला है वो यहाँ 24-25 ले जाएगा, राइट। और यहाँ फिर आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, जैसे आपने क्वेश्चन 20 आराम से कर लिया आपने अटेम्प्ट, बट सही कितने किए, अगर 20 क्वेश्चन आपने किए और उनमें एक्यूरेसी लेवल भी अच्छा था तो आपकी गाड़ी निकल गई, और आपने 20 क्वेश्चन किए पता चला 12 नंबर आए आपकी 12, ठीक है ना, तो वहां मुश्किल है। तो इंग्लिश का जो है, मैं अभी फिर आपसे कहूंगा कि जो भी बच्चे इस साल बैंकिंग सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा फोकस करें आपका जनरल, और जो आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पोर्शन है उसकी फर्स्ट, देन इंग्लिश। क्वांट और रीजनिंग तो डेफिनेट ये तो करनी करनी है, लेकिन क्वांट और रीजनिंग की बच्चे प्रिपरेशन काफी अच्छी कर चुके होते हैं ज्यादातर, जहां लेक करते हैं वो जीए में और इंग्लिश में करते हैं, और ये दोनों ही स्कोरिंग, मतलब जीए आपका फाइनल में आएगा लेकिन अल्टीमेटली फाइनल भी तो क्रिक करना ही है। तो इसके लिए मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक सीरीज शुरू की है मैंने कल से, टारगेट तो उसको लिखा था उसमें एसबीआई क्लर्क मेन का, लेकिन उसको मैं आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। और जिस टाइम में आपकी जैसे एग्जाम होगी है अक्टूबर में, तो सितंबर तक का आप ये मान के चलें कि आपके करंट अफेयर्स का जो आजकल ज्यादा लोड आता हुआ है, तो उससे बैक आप चलोगे तो ज्यादा अपन ये मानते हैं कि 4-5 महीने का ज्यादा आता है। तो अभी मैं जो भी अभी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वो जुलाई से बैक चलना शुरू हुआ है, कल पहला था आज दूसरा उसका वीडियो अपलोड हुआ है, और जुलाई से पीछे की तरफ, जैसे जुलाई अभी तो जुलाई चल रही, देन फिर जून आएगा, फिर मई आएगा, फिर अप्रैल आएगा, तो शुरू के जो ये 7-8 है मैं पार्ट दूंगा इसके, तो शुरू के 3-4 जो है वो आपके आईबीपीएस पीओ में भी हेल्पफुल रहेंगे कि यहां तक तो वो डेफिनेटली वो भी कवर करेगा, राइट। तो ये वीडियोस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन में जो रोल सबसे ज्यादा वेटल रोल प्ले करेगा वो ये जीए एंड इंग्लिश, तो इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, बाकी क्वांट और रीजनिंग ऑब्वियस आपने प्रिपेयर किए होंगे, क्योंकि आजकल देखता हूँ ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड के, तो उनके क्वांट और रीजनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, आई विल